मोहाली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने करीब 3 दहाके पुराने झूठे मुकाबले संबंधी केस का नबेड़ा किया है। पंजाब पुलिस के DSP सेवा मुक्त कृष्ण सिंह और सब इंस्पैक्टर सेवा मुक्त तरसेम लाल को दोषी मानदिया उम्र कैद की सजा से 2-2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। अदालत ने जुर्माने की राशि चो 3 पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म भी जारी किया है। अमृतसर अज पत्रकारों नाल गलबात करदे पीड़ित के परिवारक मैंबरों ने दस्या है कि 30 साल पहला मध्य प्रदेश पुलिस ने 7 सिख नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिन्हों चो 5 सिख नौजवानों को अमृतसर पुलिस पंजाब ले आई सी। पुलिस के अनुसार सिख नौजवानों ने अमृतसर जिले में किसी थान हथियार छुपा के रखे हुए सन। 13 दसंबर 1992 की रात वेले पुलिस इन्हों नौजवानों को हथियार बरामद कराने लैके जा रही थी, पर धरद्यो पिंड अमृतसर नेड़े खाड़कों ने पुलिस पार्टी से फायरिंग कर दी सी। इस मुकाबले में 3 सिख नौजवान साहब सिंह, दलबीर सिंह ते बलविंदर सिंह समेत एक होर अणपछाते व्यक्ति की मौत हुई सी। इस बारे पुलिस का कहना है कि यह अणपछाता नौजवान पुलिस से हमला करने वाला खाड़कू सी, जदों कि पीड़ित परिवारों का दोष है कि पुलिस ने उन्होंने मुंडियां नूं झूठे पुलिस मुकाबले में मारिया है। जो पंजाब दे विच काला दौर सिखरां दी सीगा और साडे फादर साहब ने साडी जान बचाउण खातर सानूं पंजाब तों बाहर दीआं स्टेटां विच भेजिया, मैं कलकत्ते चला गया वैसट बंगाल और मेरा ब्रदर जिहड़ा वा उह MP दे विच मध्य प्रदेश च चला गया और असीं ट्रकां दे रहण लग गए इत्थों अपनी जान बचाउण खातर। उस दौरान मेरे ब्रदर नूं MP दी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्थे उन्होंने कहा भी इन्हों को वैपन फड़े आ, लेकिन वैपन कोई नहीं निकलिया। फिर इन्होंने अमृतसर लैके आंदा वरंट से, इतों फिर इन्होंने 3 दिन के रिमांड के उत्ते दिता मैते थाने। उन्होंने दूसरे दिन ही रात के 11 बजे उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। किस तरीके नाल तुहानू पता लगा भी एनकाउंटर जिहड़ा इस तरह होया, ते कदों एनकाउंटर होया, फिर कदों तुसीं केस लाया सी? सानू जी अगले दिन ही पता लगा जदों इन्हां दरगाणा मंदिर दे विच संस्कार कर दिते और सानू न्यूज़ पेपर तो पता लगा। असीं अपनी पैरवाई की, लेकिन सानू मिलिया कि एक थैले दे विच थोड़ियां अस्थियां, सानू वह पता नहीं किस बंदे दियां सी किस दियां नहीं। असीं वह कीरतपुर जल प्रवाह करके आए, वो एक किशन सिंह, एक तरसेम नाल, एक गुरिंदर सिंह SHO मेहता। देखो जी केस जिहड़ा वा असीं तां 92 तों ही लड़ रहे हैं, लेकिन जिहड़ा CBI केस आ 97 दे विच जाके लगा और सानू जाके 30 साल बाद उत्थों इंसाफ मिलिया। 10, 11, 12 साल 15 साल दे लागे स्टे लगा रहा, उस करके सानू 30 साल वेट करनी पई। किस तरह किन्ने हेल्प की, किन्नी कु तसल्ली है भी तुहानू इंसाफ मिलिया भावें 30 सालों बाद मिलिया, किन्ना कु मन नूं जिहड़ी आ चैन आ जां शांति मिली है? देखो जी सब तों वध असीं धन्नवादी हाँ भाजी जगजीत सिंह जी बाजवा, जिन्हां ने साढ़े घरां तों आ के सानू उत्साह करके केस करन वाले बन्ने प्रेरिया और मेरे फादर साहब ने इन्हां दे मोढे नाल मोढा ला के सारे डाकूमेंट दे के केस जिहड़ा वा रजिस्टर्ड करवाया और इन्हां साडा बहुत साथ दिता, अखीर तक साढ़े नाल आ। असीं ऋणी हाँ इन्हां दे, धन्नवादी हाँ। और भाजी सतराम सिंह जी बैंस जिन्हां दी टीम सारी साढ़े नाल, भाजी सरबजीत सिंह असीं बहुत धन्नवादी हाँ बैंस साहब की टीम ने। हैगा जी जगजीत सिंह बाजवा, ये केस हैगा सी CBI ने 1996 दे विच जिहड़ा इनवैसटीगेट करके इहदी चार्जशीट 3 जणिआं दे खिलाफ पेश कीती सी, SHO रजिंदर सिंह, SI किशन सिंह ते SI तरसेम लाल दे खिलाफ, जिहड़ा कि 30 साल बाद कल इस केस दे विच फैसला आया वा। ये केस जिहड़ा 14 साल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे विच जिहड़ा ये स्टे रहा वा वक्ख वक्ख टाइम दे दौरान 2005 तो लैके 2019 तक 14 साल केस स्टे रहा वा। देखो टैक्नीकली जिहड़ा इंसाफ जिन्हें CBI ने ये अक्यूज्ड बनाए से उहदे चों एक दी डैथ हो गई, 2 अक्यूज्ड जिंदे ही उन्हां नूं उम्र कैद हो गई आ। उम्र कैद जिहड़ा इंसाफ आ ठीक आ, पर जिहड़ा डिले आ 30 साल का उन्हों आप
बहुत माड़ा कहिंदे आ भी इन्ना डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि परिवार के जिहड़े बंदियां ने केस किया सी जिस तरह साहब सिंह दे फादर सी दूजियां दे मदर फादर सी वो ये इंसाफ नूं डीकदिया होया इस दुनिया तो कूच करके इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिले होया। फिर भी असी CBI कोर्ट के जज साहब के बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने इस केस नूं डिसाइड किया। मृतक नौजवान साहब सिंह के वड्डे भरा सरताज सिंह अते मृतक बलविंदर सिंह के भतीजे शमशेर सिंह ने कहा है कि उन्होंने परिवारों को 3 दहाके तो बाद इंसाफ मिला है। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।